नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बस्ती से एक बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर हामिद अशरफ की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। रेलवे की वेबसाइट हैक करके टिकट बेचने का आरोप है। रेलवे की साइट हैक करके टिकट बुक कर ज्यादा दाम पर बेचता था। रेलवे की टिकट की कालाबाजारी का जाल कई राज्यों में फैलाया। रेलवे की वेबसाइट पे तेंद लगाकर कई एजेंटों को दी है फ्रेंचाइजी। देश के कई राज्यों में हामिद के एजेंट सक्रिय थे। 2016 में सीबीआई ने बस्ती से किया था गिरफ्तार। जमानत पर छूटकर फिर से हैक की रेलवे की वेबसाइट। 2021 में दोबारा किया गया गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बस्ती से आ रही है। गैंगस्टर की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस्ती से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की कार्रवाई की गई है। संपत्ति जब्तीकरण में इसके बनकटवा, रामगढ़, जंगल कटा, रंगवापुरवा, रतास आदि गांवों में इसके जो खेत थे वो जब्तीकरण कार्रवाई की गई, एवं कप्तानगंज बाजार स्थित इनकी जो संपत्ति थी जिसकी कीमत लगभग 79 लाख रुपीज़ है उसको, और जो इनके खेत हैं कुल मिलाकर के इनकी लगभग 1 करोड़ की संपत्ति की जब्तीकरण कार्रवाई की गई। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, कितने की संपत्ति जब्त की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, अगर देखा जाए तो हामिद अंसारिया की 1.8 करोड़ की संपत्ति है जो जब्त की गई है। इसके पहले ये जो 2016 में जब पकड़ा गया था, पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। करीब 3 प्रदेश की पुलिस रेलवे हैकिंग साइट के लिए ढूंढ रही थी और इसको पकड़कर गिरफ्तार किया गया। तब से ये कार्रवाई चल रही थी, जब से योगी सरकार दूसरी बार आई उससे अवैध तरीके से जो माफिया अपनी संपत्ति को अर्जित किए उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई बस्ती पुलिस ने किया, बस्ती प्रशासन ने किया और 1.8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। और उसके संबंधित जो लोग इस संपत्ति में शामिल है या उस संपत्ति को संपत्ति में और लोग जिनके नाम ये संपत्ति करके और वो छिपाने की कोशिश किया उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक मैसेज जा रहा है कि जो भी अगर गलत तरीके से अर्पित अगर करेगा, वो गलत तरीके से धन अर्जित करेगा और संपत्ति वाले उस पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है, समाज में बड़ा मैसेज जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।